हेलो मेरे वेडिंग फोटोग्राफर भाइयों, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। निवेदन ये है कि मैं आप लोगों के साथ पिछले 6-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि जो आपकी डेटा रिकवरी है उसमें आपकी जो आने वाली दिक्कतें हैं उसमें मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ क्या? जैसे मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था कि WD की हार्ड डिस्क क्यों नहीं खरीदनी है, क्यों खरीदनी है वो आप देखिए, लेकिन उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। वैसे एक बात और मुझे आपको बोलनी है कि जब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो बड़ी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं, 4 TB 5 TB, तो जब आप 4 TB 5 TB की हार्ड डिस्क खरीदते हैं ना, तो उसमें एक तो पैसा ज़्यादा जाता है आपका, किसी वजह से वो हार्ड डिस्क सीधी स्लिप हो गई आपके हाथ से, तो मालूम है डाटा रिकवरी कॉस्ट कितनी होती है। सो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। मेरा आपको सुझाव है कि आप हार्ड डिस्क 1 या 2 TB तक की लीजिए। एक तो ये हार्ड डिस्क बिकती बहुत हैं, इनके डोनर मिलने में भी सहूलियत है और आपकी डेटा रिकवरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी यदि कभी आपको जरूरत पड़ती है। ना कि ईश्वर कभी जरूरत पड़ती है, पर पड़ती है। हम पिछले कई साल से ऐसे सब चीज़ देख रहे हैं क्योंकि हार्ड डिस्क हैंडलिंग के टाइम में काफ़ी ख़राब होती हैं। ध्यान नहीं रहा, तार खिंच गया, ध्यान नहीं रहा, हार्ड डिस्क टेबल से नीचे गिर गई, तो ये समस्याएं आ रही हैं। और मेरा यही कहना है आपसे कि डेटा तो आपका ही है, सुझाव मैं ज़रूर दे सकता हूँ आपको, मानिए तो आपका फायदा होगा, नहीं मानिए आप देखिए। बट मेरा सुझाव यही है कि हार्ड डिस्क 2 TB से ऊपर ना खरीदें, खासतौर से USB हार्ड डिस्क, क्योंकि जैसा मैंने भी एक्सप्लेन किया तो वो आप अपने पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं। हाँ, आप सोचते होंगे कि एक ही हार्ड डिस्क होगी तो सारी शादियों का डाटा उसमें रख लूंगा, तो आप डाटा भी तो रिस्क पे चला जाएगा ना। यदि अलग अलग हार्ड डिस्क होंगी तो ठीक है, आपको मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप समझिए बात कि 6 महीने का एक हार्ड डिस्क बना लीजिए, 2 TB का 6 महीने का एक बना लीजिए, ऐसा कर लीजिए, उसमें आपको सहूलियत होने वाली है। आई होप कि मैं आपकी कुछ ऐसा बोल के मदद कर पाया हूँ और निश्चित रूप से आप मुझे पसंद कर रहे हैं और आपका प्रेम भी मुझे मिल रहा है, स्नेह भी मुझे मिल रहा है, ऐसे ही करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।